सुन देती है भाई साहब, हमारे इमरान भाई हैं, ये मेन मिस्त्री हैं यहाँ के इस गैरेज के, और बहुत 24-25 साल हो गए इनको, जाने कितने इंजन कर लिए और सब बढ़िया सक्सेस चला। मैं क्या दूर बताऊँ, दूर इतने से लोग साल भी हो गए। इंजन करवाने के लिए आते हैं स्पेशली। और ये इमरजेंसी में वीडियो बनाया, हमारे पास अभी 2 दिन पहले इंजन हुआ, लेकिन एक कोई एक भैया है कश्मीर से, उनको थोड़ा सा डाउट था रिंगों के लेके, हालांकि एक्सपर्ट हैं वो भी, तो ये डाउट मैं क्लियर कर रहा था और कोई बात नहीं थी, तो उसके पीछे मैंने जो ना पुराना ब्लॉक लिया। तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिस्टन रिंग के बारे में, और पिस्टन रिंग का सही लोकेशन बहुत ज़रूरी है। आप नया स्लिप ठुकवाओ, नया पिस्टन ले लो, कनेक्टिंग रॉड सब नया ले लो, यदि पिस्टन रिंग का लोकेशन सही नहीं होगा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं इंजन करने से, जल्दी धुआं दे देगी, रिंग कट जाएंगे जल्दी से, कंप्रेशन नहीं बनेगा। तो चूंकि इंजन का रिंग का लोकेशन अच्छा होने की वजह से क्या है, इसका क्या कट कौन सा रिंग का रखना है, ये चीज़ समझिए। सबसे पहले ये हमारा ब्लॉक है, इसका पीछे का एल्बो पीछे साइड में रख लेते हैं और टाइमिंग को आगे कर लेते हैं। अब ब्लॉक को जैसे खड़ा करेंगे ये ब्लॉक को अपने तरफ से, तो हमारे सामने A1 2 3 करके पिस्टन नंबर आ जाएगा, तो ये हमारा पिस्टन है। अब इस पिस्टन का लोकेशन आप चेक कर लो कि पिस्टन में एक कट है छोटा सा, ये कट, तो ये को टाइमिंग की तरफ रखना है, ठीक है। अब ये हमारा पिस्टन लग गया 1 नंबर में। अब ये रिंग है ऑयल रिंग, अब ऑयल का सपोर्ट रिंग है, इसका कट देखो कहाँ रखना है इस पिस्टन को, इसका ये भी आगे रहेगा ना, ये चीजें आगे रहेंगी, इसके कट का जो किनारी है ये दोनों आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको कट को कहाँ रखना है, उधर लेफ्ट साइड में, राइट में जो है ना, गजल पिन के ठीक सामने रखना यहाँ है, पर रखना है गजल पिन के ठीक सामने, ये देखो ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा कट सपोर्ट रिंग। अब इसका स्पैंडल जो है रिंग, इसको चेक करना पड़ेगा इसका, ये देखो ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, ये जिधर मारे इसको आउटसाइड रखना है, ये देखो इसको आउटसाइड में रखना है, यानी इसको यदि नीचे इधर लगाएंगे तो इसको इस लोकेशन रखना पड़ेगा, इधर लगाएंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा बस। तो इस कट का देख लो कहाँ पे रखना है, ये जो मार्का लगा हुआ है इस कट पे रखना है आपको, इसका नीचे साइड वाला रिंग है ऑयल रिंग के सपोर्ट रिंग, यहाँ पर ये देखो इसका कट आ गया इधर, ठीक है यहाँ ये रहा, ये यहाँ पर, हाँ ठीक है, खराब ठीक है, इसका यहाँ पर रहेगा इसके पास, ठीक आगे का पीछे का रिंग जो है, ये भी ऑयली रिंग है, ये इसका अपोजिट करो, ये रहेगा इधर, ये इधर रहेगा इसके अपोजिट, ये यहाँ पर रहेगा, यानी कि एक नीचे दो दो, ये निशान है इस पर, निशान दिखाओ, ये यहाँ पर रहेगा यहाँ पर। अब आता है कंप्रेसर रिंग, दो ये ऑयल रिंग के बीच में इधर वाला रिंग का कट यहाँ, इधर के रिंग का कट यहाँ, और इसका दूसरा इधर वाले रिंग का कट सीधा इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे, ठीक है। ये अब ये तो ऑयल रिंग कंप्लीट हो गया, अब कंप्रेशर रिंग का कट कहाँ रखना है ये चीज आप देख लो, ये कंप्रेशर रिंग है, ये आवाज नहीं करता, ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फ्रंट ऊपर रहेगा यहाँ पर, जो लिखा हुआ है रिंग पे, ये फ्रंट ऊपर रहेगा, ये इसका कंप्रेसर रिंग है, ये सीधा पिस्टन है, ये इसके अपोजिट यहाँ पर रहेगा, ये देखो ये टाइमिंग की तरफ से देखो आप, ये टाइमिंग है ना, तो इसका रिंग का कट यहाँ पे रहेगा, कंप्रेशर रिंग का कट यहाँ पर, ठीक है। एक ये पिस्टन की टाइमिंग देख लो, अब आता है टॉप रिंग, ऐसे ही ये
ये टॉप रिंग है, और टॉप रिंग का कट सीधे कंप्रेसर रिंग के अपोजिट रखना पड़ेगा, ये यहाँ पर रहेगा। फ्रंट पे देखो ये, चलो ये यहाँ पर रहेगा टॉप रिंग, यहाँ पर ये टॉप रिंग का कट यहाँ साइड में, कंप्रेसर का कंप्रेसर रिंग का सीधा इसके ठीक अपोजिट साइड में, एक दूसरे का अपोजिट साइड में रखना पड़ेगा कट यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऑयल रिंग ये हो गया, एक ऑयल रिंग आपका ये हो गया, ठीक है ठीक। अब ये ऐसा लगाओ इसे, जैसे यहाँ पर रखना है इस तरीके से, इसे बस ये रिंग क्लिप पकड़ने का आप लोग देख लीजिए, ऐसे पकड़ना होगा और ऐसे टाइट करना पड़ेगा ताकि पिस्टन भी ना घूमे और रिंग भी ना घूमे, और ऐसे करके ठोक देना पड़ेगा बस। ये पूरा प्रोसेस एक पिस्टन के रिंग का है, तो इस तरीके से आप पिस्टन रिंग यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और बढ़िया। तो ये हमारा पूरा लोकेशन था, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।